अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। लेकिन कल वाला जो लेक्चर था, जो वीडियो था, आप लोग वो देखेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। वो हमने पढ़ा था रेजोनेंस इन एयर कॉलम्स एंड ऑर्गन पाइप्स। तो कल का जो कंसेप्ट था वो एग्जैक्टली इस क्लोज ऑर्गन पाइप में अप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है? एन ऑर्गन पाइप हूज एंड ऑपोजिट टू द वेसलिंग एंड इज क्लोज्ड, इस कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ए ऑर्गन पाइप कहते हैं बांसुरी को, जिसे पश्तो में शपेले कहते हैं। शपेले लिदले में करना है अटामान उसरची। ए ये अगर बांसुरी है, अगर इसका ये एंड क्लोज्ड है और ये एंड ओपन है, तो ऐसे ऑर्गन पाइप को वी कॉल क्लोज ऑर्गन पाइप। यानी जिस एंड में आप व्हिसलिंग करते हैं, दिस इज ओपन, और जो ऑपोजिट है इट इज क्लोज्ड, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से एन ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज्ड हो, एक ओपन, तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट कल वाला होगा, ठीक है। लेकिन लुक इट, जब आप इस ऑर्गन पाइप में पुल मारते हैं, व्हिसलिंग करते हैं लाइक दिस, तो इट मींस यू सेंड अ कंप्रेशन। देखिए, इस ऑर्गन पाइप के अंदर यू सेंड अ कंप्रेशन, और वो कंप्रेशन इधर आकर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। जब ये कंप्रेशन वापस आ जाता है तो वो लिप्स के साथ स्ट्राइक करके इस तरह गुजर जाती है, यू विल फील इट। जब कंप्रेशन वापस आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है दे आर रेयरफेक्टेड, क्योंकि कंप्रेशन का मतलब है कि जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डेंस, और रेयरफेक्शन का मतलब है जहाँ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अवे। देखिए, जब कंप्रेशन इधर आ जाती है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक स्ट्राइक इन द लिप्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक रेयरफेक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप इसे इस तरह कंटिन्यूसली वो व्हिसलिंग करते हैं, ठीक है, तो इस ऑर्गन पाइप के अंदर विच इज बिहेविंग लाइक इन एयर कॉलम, ठीक है, दिस एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग विद अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं और इनकमिंग वेव्स हैं वो बास पॉइंट्स पे एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। यानी बास पॉइंट्स पे कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर, रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन के ऊपर आकर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो आवाज़ पैदा हो जाती है, और बास पॉइंट्स पे दे कैंसिल ईच अदर, इट डिपेंड्स, तो वो आवाज़ जो है वो डिम या नो साउंड इज हर्ड। बहरहाल, ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली कल वाला कॉन्सेप्ट है। जरा गौर से देखिए, इसका ये एंड ओपन है, और ये एंड ओपन एंड इस तरह नहीं होता जिस तरह मैंने बनाया है, ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह बनाया है, ठीक है। और ये है क्लोज एंड, तो आपको पता है ओपन एंड पर क्या बन जाता है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स जो है वो इनका डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, तो ओपन एंड पर एंटीनोड बन जाता है और क्लोज एंड पर नोड बन जाता है। तो आपको पता है एक एंटीनोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस को लैम्डा बाय 4 कहते हैं, विच इज लैम्डा 1/4 इज इक्वल टू एल, एंड व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। तो पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। याद रखिए, फर्स्ट हार्मोनिक में हाफ लूप इज फॉर्म इन दिस ऑर्गन पाइप। व्हाई? बिकॉज वन एंड इज क्लोज्ड, द अदर इज ओपन, तो इसमें हाफ लूप बनता है।
सेकंड हार्मोनिक में थ्री हाफ सब कल वाला कंसेप्ट है, फिर थर्ड में फाइव हाफ सब, फिर सेवन हाफ सब एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए नंबर वन, नंबर वन एक्सप्रेशन फॉर फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का क्या मतलब है? फंडामेंटल हार्मोनिक, इनिशियल हार्मोनिक। व्हेन द एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग इन हाफ लूप, और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये लूप्स हमें नजर नहीं, नहीं यार, ये हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं इसको, वो स्ट्रिंग वाले वेव्स के साथ लूप्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और टू मेक इट इजी। तो याद रखिए ये लूप्स हमें नजर नहीं आते क्योंकि आवाज पैदा हो जाती है, आवाज हमें नजर नहीं आती, हम सुनते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक में आप देखें लैम्डा वन बाय फोर इज इक्वल टू एल, ठीक है, यहां से लैम्डा वन कैलकुलेट करें तो दिस इज फोर एल, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ द वेलोसिटी इज एफ वन इनटू लैम्डा वन, एक वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन एयर एट रूम टेम्परेचर, इट विल बी अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, द वेलोसिटी डजंट चेंज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर चेंज, एंड नाउ यू विल सी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा, और ऑनवर्ड यू विल सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम। तो देयरफॉर आई डोंट राइट हियर वन आर टू आर थ्री आर फोर बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो दिस विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन को टू में पुट करो चबाश, तो देखिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वी डिवाइडेड बाय फोर एल, दिस इज द इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द फंडामेंटल हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक। ए वो जो स्ट्रिंग वाले लूप्स हमने पढ़े थे वहां पर दोनों एंड्स फिक्स थे, दोनों एंड्स पर नोड्स बन जाते थे, तो वहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l के बराबर, क्योंकि वहां पर एक लूप या दो या तीन या चार यानी पूरे पूरे लूप्स बन जाते थे, यहां पर हाफ लूप या थ्री हाफ्स या फाइव हाफ्स लाइक दिस। तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल हार्मोनिक या दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। नाउ नंबर टू एक्सप्रेशन फॉर सेकंड हार्मोनिक, शाबाश। नाउ इट इज द सेम ऑर्गन पाइप, देखिए लेंथ इज द सेम, लेंथ डजंट चेंज, आप इक्वल इक्वल लेंथ वाले ऑर्गन पाइप्स बना लें, देखिए लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो लेंथ इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अब यहां पर क्या बन जाता है, ए इधर क्या बनेगा एंडिंग नोड, तो इधर नोड तो हाफ लूप इधर और फुल लूप इधर, तो थ्री हाफ, थ्री हाफ का मतलब है यानी वन और हाफ लूप, इज इट, तो देखिए इट विल बी लाइक दिस। ए ये आप व्यवहार करें थ्री पार्ट्स में, सही सही, तो ये हमारे पास है लेट अस सपोज दिस इज ये देखो दिस इज एंटी नोड नंबर वन, ठीक है, दिस इज एंटी नोड नंबर टू और दिस इज नोड नंबर वन, दिस इज नोड नंबर थ्री, सही है।
Now look at, आप मुझे ये बताएं, this is not number 2, sorry. A, look at, A1 और N1 के दरमियान distance is lambda 2 by 4. अब lambda 2 का मतलब है कि this is second half. This is second mode of vibration of the air column. So this distance is lambda 2 by 4. N1 और N2 के दरमियान lambda 2 by 2. सही है? तो आप देखिए इस तरह लिखेंगे lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 2 is equal to L. इसका LCM ले लो तो 4 आ जाएगा. This will be lambda 2 plus 2 lambda 2 is equal to L. So it means 3 lambda 2 by 4 is equal to L. Lambda 2 calculate करो. So this will be 4L divided by 3. Equation number, this is 4. A, now again velocity बराबर है F2 lambda 2. तो अगर आप frequency calculate करें, this will be V divided by lambda 2. सही है? Put equation number 4 and 5. Lambda 2 का ये value इधर put करें. So देखें, I'll write F2 is equal to V divided by lambda 2 is 4L divided by 3. और ये 3 अगर ऊपर चला जाए, तो L2 is equal to 3. This is 3 and this is V divided by 4L. What is V by 4L? F1. A, this is F1. Look at equation number 3. तो आप ऐसा करें, equation 3 को इसमें put करें, तो this is F1. And remember, this is equation number 6. और से देखें, fundamental frequency is V by 4L. The first harmonic is V by 4L. लेकिन second harmonic 3V by 4L है. 3F1 है. अब देखिए इसमें 2F1 is stepping out. इसमें आप देखिए E1 harmonics absent है. यानी F1 होगा, 3F1, फिर 5F1, ठीक है, 7F1 एंड सो ऑन. क्योंकि आप लोग देखिए ये एक हाफ लूप है और देखिए ये 3 हाफ लूप से 1 2 3, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो गई. ये फ्रीक्वेंसी F1 है, ये 3F1 है, ठीक है? यस सर. और सिमिलरली एक्सप्रेशन फॉर द, आई विल राइट इट हियर, नंबर 3 expression for third harmonic. Third harmonic का मतलब है 5 half loops. ये इस तरह होगा. Length is the same because it is the same organ pipe. देखिए length is not. Okay, length is the same. Shabash. अब इसमें आप 5 half loops बना ले. तो 5 half का मतलब है half इधर बन जाएगा और फिर 2 बन जाएगी, ठीक है? So I'll draw like this. ये हमारे पास half इधर बना ले. और देखिए 2 इधर. तो ये है एंटी नोड नंबर 1, दिस इज एंटी नोड नंबर 2, एंटी नोड नंबर 3, और ये हमारे पास है नोड नंबर 1, और दिस इज नोड नंबर 2, एंड दिस इज नोड नंबर 3. ठीक है? अब आप मुझे बताएं,
What is the distance between a 1 and n 1? Lambda 3 by 4. Lambda 3 by 4. A 2, sorry, n 1 or n 2 together? Lambda 3 by 2. Lambda 3 divided by 2. N 2 or n 3 together? Lambda 3 by 2. Lambda 3 by 2. ठीक है, ये इस तरह लिख दिए, lambda 3 divided by 4 plus lambda 3 divided by 2 plus lambda 3 divided by 2 is equal to L. LCM ले लो, तो इसका LCM होगा 4, इधर आ जाएगा lambda 3 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda 3 is equal to L. तो इससे आ जाएगा 5 lambda 3, देखिए 5 lambda 3 divided by 4 is equal to L. lambda 3 calculate करें, this is 4 L divided by 5. Equation number 7. Again velocity बराबर है F3 lambda 3. तो अगर आप F3 calculate करें, this will be V divided by lambda 3. This is like equation number 8. A, put equation 7 in 8. Charash. Equation number 7 to 8 we put kare. So we are getting like this, F3 is equal to V divided by 4L by 5. ये 5 ऊपर चला जाए तो multiply हो जाएगा. Yes, so this will be V divided by 4L. Now this is multiplied by 5. What is V by 4L? Fundamental. This is fundamental. देखिए F3 5 F1 के बराबर है. देखिए लास्ट टाइम जो स्ट्रिंग्स के लिए हमने पढ़ा था वो F1 फंडामेंटल था, F2 2 F1, F3 3 F1, F4 4 F1 वगैरह वगैरह, F5 5 F1, यानी उसमें ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स दोनों प्रेजेंट थे. अब गौर से देखें, यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स था एब्सेंट, ओनली द ऑड हार्मोनिक्स आर देयर. F1 फिर 3F1 फिर 5F1 7F1. तो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट लाइक दिस है, अगर आप F4 लेके तो दैट विल बी 7F1, और अगर आप F5 लेके तो दैट विल बी 9F1. ठीक है, इफ यू सी इवन हार्मोनिक्स आर नॉट देयर. तो इसे मैं जनरलाइज करता हूं, सो आई विल राइट Fn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय F1. This is the general formula for the closed organ pipe. ठीक है, this is the general formula for the closed organ pipe. शाबाश. Where in का मतलब नंबर ऑफ लूप्स ना, इनका मतलब है नंबर ऑफ मोड. ए यानी यहां पर यू कैन से n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 3 4 5. अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो इसका मतलब है फर्स्ट मोड, यानी केस नंबर 1. तो केस नंबर 1 में एक लूप ना हाफ लूप बन जाती है. n equal to 2 का मतलब है सेकंड मोड, केस नंबर 2, इसमें 3 हाफ्स बन जाते हैं. ठीक है, तो याद रखें अगर आप n की जगह 1 पुट करें, ओके, n की जगह 1 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 माइनस 1 1 यानी f1. तो f1 इज इक्वल टू f1 व्हिच इज फंडामेंटल. n की जगह 2 पुट करें तो 2 2 4
4 माइनस 1 इज 3, F2 इज 3F1. N की जगह 3 पुट करें, 2 3 आर 6, माइनस 1, 5. F3 इज 5F1, F4 इज 7F1. ठीक है, तो याद रखिए इसमें odd harmonics are there and the even harmonics are absent. कभी कभार this equation could be written as Fn is equal to 2n minus 1 multiplied by what is F1? V by 4. याद रखिए अगर problems में, numerical problems में या MCQs में देखो आपको F1 given है, ठीक है, तो you can apply this formula for F2, F3, F4 and so on. और अगर आपको F1 given नहीं है, velocity और length of the organ pipe given है, तो फिर you can apply this formula. तो MCQs में you will have to be very very careful. अगर आपको velocity और length given है, तो you can apply this formula. अगर direct fundamental frequency given है, fundamental harmonic given है, तो you can apply that formula. Okay? तो please remember, closed organ pipe में the even harmonics are absent. Absent, only the odd harmonics are there. सही है? Now we are coming to the open organ pipe. Shabash, open organ pipe का क्या मतलब है? नंबर टू है ओपन ऑर्गन पाइप. याद रखिए ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है एन ऑर्गन पाइप हुज एंड opposite to the vessel end is open. An organ pipe whose end opposite to the vessel ya blowing end is open, that is called open organ pipe. In simple words you can say an organ pipe whose both ends are open, jiske dono ends open ho, use hum kehte hain open organ pipe. Theek hai, देखो, now we are going to calculate an expression for the first harmonic. अब इधर देखें कि what happens. Expression for first harmonic. First harmonic का मतलब है fundamental. Fundamental means initial. ठीक है, इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक. तो देखिए ये अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, देखिए दिस इज एन ओपन ऑर्गन पाइप. अब फॉर सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस. अगर ची रियलिटी में इस तरह नहीं है, वी आर गोइंग टू मेक इट सिंपल. ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है. कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है कि ओपन एंड पर हमेशा एंटीनोड बन जाता है. तो एंटीनोड इधर भी बनेगा, एंटीनोड इधर भी बनेगा. ए तो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, देखिए इधर एंटीनोड बनेगा और देखिए इधर भी एंटीनोड बनेगा. ठीक है, इफ यू सी यू कैन से कि दिस इज एंटी नोड नंबर वन और दिस इज एंटी नोड नंबर टू और ये है नोड नंबर वन. लुक इट, इससे पहले जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमने पढ़ा तो वहां पर आप देखिए फंडामेंटल हार्मोनिक में हाफ लूप बन जाता था. तो इसमें आप देखिए ये नोड नंबर वन, सॉरी एंटी नोड नंबर वन, नोड नंबर वन. एंड व्हाट वाज दिस डिस्टेंस, लेमडा वन बाय फोर. सही है, देखो एक बात आप याद रखें कि
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमेशा नंबर ऑफ एंटी नोड और नोड बराबर होते हैं। इधर आप देखिए, एट एंटी नोड है, एक नोड है, दूसरे मोड में दो एंटी नोड्स, दो नोड्स, तीसरे में थ्री एंटी नोड्स, थ्री नोड्स। तो याद रखिए, ओपन सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स हमेशा बराबर। दिस इज एन एमसीक्यू। इधर आप लोग देखिए, ए ये कितने लूप्स हैं, कितने लूप्स हैं, वन, ये एट लूप है, हाफ हाफ एट लूप है, लेकिन इसमें आप देखिए नंबर ऑफ एंटी नोड्स नोड से एक ज्यादा है। तो ये बिल्कुल ए वो जो स्ट्रिंग्स में हमने लूप्स पढ़े थे उसमें फर्स्ट हार्मोनिक में एट लूप में नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ एंटी नोड से एक ज्यादा था, और इधर एंटी नोड नंबर ऑफ नोड से एक ज्यादा है। तो दीज आर एमसीक्यूज। और याद रखें, नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ लूप्स के बराबर है। आप लोग देखिए, एट लूप है, एट नोड है, तो रिमेंबर दिस, ठीक है। और प्लीज रिमेंबर, इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली स्ट्रिंग की तरह है, एग्जैक्टली द सेम कैलकुलेशन, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स नोड से एक ज्यादा है और उसमें नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से एक ज्यादा था। और याद रखें, इसमें नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ लूप्स के बराबर हैं। ये एक लूप है, एक नोड है, दो नोड्स तो दो लूप्स, थ्री नोड्स तो थ्री लूप्स, वगैरह वगैरह। ए तो ये हम इस तरह लिखेंगे, ए वन और एन वन के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज लेमडा वन बाय फोर, और दिस इज ऑल्सो लेमडा वन बाय फोर, सही है। सो देखिए, वी विल राइट लाइक दिस, ए शाबाश, आई विल राइट इट हियर, लेमडा वन बाय फोर प्लस लेमडा वन बाय फोर इज इक्वल टू एल। इसका एलसीएम ले ले तो फोर होगा, तो लेमडा वन प्लस लेमडा वन इज इक्वल टू एल, या टू लेमडा वन डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू एल, टू टू आर फोर, तो इससे आ जाएगा लेमडा वन बाय टू इज इक्वल टू एल, लेमडा वन इज इक्वल टू टू एल। इसी तरह हमने स्ट्रिंग के लिए भी पढ़ा था, स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट मोड में लेमडा वन टू एल के बराबर था। नाउ लुक एट द वेलोसिटी इज एफ वन लेमडा वन, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, दिस विल बी वी डिवाइड बाय लेमडा वन। इक्वेशन नंबर वन को टू में पुट करो, शाबाश, पुट इक्वेशन नंबर वन इन टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए, आई विल राइट इट हियर, एफ वन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टू एल। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल हार्मोनिक। ए स्ट्रिंग वाले टॉपिक में भी फंडामेंटल हार्मोनिक वी बाय टू एल के बराबर था। इफ यू लुक एट यूर नोट्स तो यू विल सी दैट एफ वन वॉज वी बाय टू एल। शाबाश। सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक। नाउ नंबर टू, एक्सप्रेशन फॉर सेकंड हार्मोनिक। दिस इज फॉर द सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक में कितने लूप्स बनेंगे, टू। तो इस तरह बना लें, देखो इट इज द सेम ऑर्गन पाइप, याद रखिए लेंथ विल बी द सेम, लेंथ विल बी द सेम। अब इसमें दो लूप्स बना ले, तो दो का मतलब है हाफ इधर हाफ इधर, एक दरमियान में। तो आप देखिए इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा एंटी नोड, इधर भी एंटी नोड, ए तो ये एंटी नोड इधर बनेगा, ठीक है, एक एंटी नोड इधर बनेगा, और दरमियान में फुल लूप बना लें लाइक दिस, ए ठीक है। तो इफ यू सी दिस इज
एंटीनोड नंबर वन, एंटीनोड नंबर टू और एंटीनोड नंबर थ्री। गौर से देखिए, एंटीनोड्स नोड से एक ज़्यादा है और दो नोड्स हैं, दिस इज नोड नंबर वन और दिस इज नोड नंबर टू। अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए वन एंड एन वन? लैम्डा टू बाय फोर। एन वन और एन टू के दरमियान? लैम्डा टू बाय टू। एन टू और ए थ्री के दरमियान? लैम्डा टू बाय फोर। ठीक है, सो देखिए, वी कैन राइट इट लाइक दिस है, आई विल राइट लैम्डा टू बाय फोर प्लस लैम्डा टू बाय टू प्लस लैम्डा टू बाय फोर इज इक्वल टू एल। एलसीएम ले लो तो फोर आ जाएगा, सो दिस विल बी लैम्डा टू प्लस टू लैम्डा टू प्लस टू लैम्डा टू इज इक्वल टू एल। शाबाश जी, दिस इज लैम्डा टू, तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी फोर लैम्डा टू डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू एल। ठीक है, शाबाश शाबाश, तो फोर लैम्डा टू बाय फोर इज इक्वल टू एल। इससे क्या आ जाएगा? लैम्डा टू इज इक्वल टू एल, इक्वेशन नंबर फोर। और देखिए, v इज इक्वल टू एफ टू लैम्डा टू, तो एफ टू आ जाएगा v बाय लैम्डा टू। इक्वेशन नंबर फोर को फाइव में पुट करो तो एफ टू आ जाएगा v डिवाइड बाय l। देखिए, स्ट्रिंग वाले टॉपिक में भी हमने इसे टू से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड भी किया था। तो अब देखिए, टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड भी करो, इट डजेंट मैटर। व्हाट इज वी बाय टू एल? फंडामेंटल। तो आप देखिए, एफ टू इज टू एफ वन। इसमें देखिए, ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, ई वन भी प्रेजेंट है। इससे पहले जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था उसमें एफ टू थ्री एफ वन के बराबर था। तो याद रखिए, दिस इज नंबर सिक्स। ठीक है, एंड नाउ एक्सप्रेशन फॉर थर्ड हार्मोनिक। देखिए नंबर थ्री, एक्सप्रेशन फॉर थर्ड हार्मोनिक। तो देखिए, थर्ड हार्मोनिक इस तरह बनेगा। देखो कितने लूप्स बनेंगे, थ्री। तो थ्री का मतलब है हाफ इधर हाफ इधर, दो दरमियान में। तो इस तरह बना लें, देखिए हाफ इधर दो दरमियान में, तो हाफ आप देखिए इधर और हाफ इधर और देखें टू इधर। सही है, तो ये हमारे पास ए वन, दिस इज एन वन, दिस इज ए टू, एन टू, ए थ्री, एन थ्री और ए फोर। ए वन और एन वन के दरमियान द डिस्टेंस इज लैम्डा थ्री बाय फोर। एन वन और एन टू के दरमियान लैम्डा थ्री बाय टू। एन टू और एन थ्री के दरमियान लैम्डा थ्री बाय टू और दिस इज लैम्डा थ्री बाय फोर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई विल राइट लैम्डा थ्री डिवाइड बाय फोर प्लस लैम्डा थ्री डिवाइड बाय टू प्लस लैम्डा थ्री डिवाइड बाय टू लैम्डा थ्री डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू एल। इसका एलसीएम क्या होगा? फोर। फोर एलसीएम ले ले और कैलकुलेट करे, शाबाश। ए ये आ जाएगा फोर एलसीएम, तो इधर आ जाएगा लैम्डा थ्री प्लस टू लैम्डा थ्री प्लस टू लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल टू एल।
शाबाश. सो दिस विल बी 6 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एल. ठीक है, इससे आ जाएगा 3 2s are 6, 2 2s are 4. देखिए 3 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एल. लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3l डिवाइड बाय 2. सो व्हाट विल बी, सॉरी, दिस विल बी 2l डिवाइड बाय 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो f3 लैम्डा 3, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो v डिवाइड बाय लैम्डा 3. इक्वेशन नंबर 7 को 8 में पुट करो. शाबाश. इक्वेशन नंबर 7 को 8 में पुट करो तो यू विल गेट f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l डिवाइड बाय 3. सो f3 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, v डिवाइड बाय 12. व्हाट इज v बाय 12? f1. तो f3 इज 3f1. और अगर आप इसे जनरलाइज करें तो f4 इज 4f1 और f5 इज 5f1. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से fn इज nf1. वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन एज वॉज ऑब्टेन फॉर स्ट्रिंग. ठीक है, सॉरी, दिस इज, ये मैं दोबारा लिखूं. हाँ, ये है f3. देखिए f3 इज 3 × v/4l, सॉरी 2l. तो यह आ जाएगा f3 इज 3f1, f4 इज 4f1 और f5 इज 5f1 एंड सो ऑन. तो इसे अगर आप जनरलाइज करें, ठीक है, तो वी विल राइट लाइक दिस. शाबाश. इस तरह लेके fn इज इक्वल टू nf1. यहां पर इस n का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स. n का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ मोड्स. अगर आप n की जगह 1 पुट करें, यू आर गेटिंग f1. n की जगह 2, 2f1. n की जगह 3, 3f1. 4f1, 5f1. और समटाइम्स दिस इक्वेशन इज रिटन एज n × v/2l. अगर MCQs में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको सपोज f1 गिवन है तो अप्लाई दिस इक्वेशन. अगर f1 डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको v और l गिवन है, तो फिर अप्लाई दिस इक्वेशन. सही है. अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप में बोथ द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो कभी कभार एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ज़रा गौर से सुने. लिखा वो होता है कि डिफाइन क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स एंड शो दैट द ओपन ऑर्गन पाइप इज मोर रिचर इन हार्मोनिक्स देन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप हार्मोनिक्स में रिच है. क्या मतलब है इसका? यानी इसमें ऑड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक भी. तो पहले फिर आप वो कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करके कंपैरिजन करेंगे. एग्जामिनर को आप शो करेंगे कि देखो जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें दोनों हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. और कभी कभार इस तरह जाते हैं, डिफाइन क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स एंड शो दैट द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज मोर पुअरर इन हार्मोनिक्स देन द ओपन हार्मोनिक्स. सो इट विल बी द सेम क्वेश्चन. अच्छा, एक बात आप याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसका ये एंड ओपन है और ये एंड भी ओपन है, तो फिर रिफ्लेक्शन किस तरह पॉसिबल है? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. अगर ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है, तो फिर ये रिफ्लेक्शन किस तरह पॉसिबल है? तो याद रखिए,
ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह बनाया है। प्रैक्टिकली अगर आप लोगों ने देखा हो तो बास ऑर्गन पाइप्स जो है इसके मुख्तलिफ नाम हैं वो इस तरह होते हैं। अगर आपने कभी देखे हैं इस तरह, ये इट इज़ लाइक दिस, डमानु सर्वम लिदली, देखें इट इज़ लाइक दिस। देखिए ये एंड भी इसका ओपन है, ये एंड भी ओपन है, लेकिन रिमेंबर इसमें वेस्लिंग करते हैं, ब्लोइंग करते हैं, और ये एंड ओपन है, लेकिन रिमेंबर अगर यहाँ से जो आवाज़ आ रही है, जो कंप्रेशंस और रेयरफिक्शंस आ रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, जो कंप्रेशनल वेव्स आ रही हैं, उन वेव्स की वेवलेंथ अगर इस पाइप के डायमीटर से ज़्यादा है तो याद रखिए दिस साउंड या वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये इनकमिंग और ये रिफ्लेक्टेड आपस में इंटरफेरेंस करके लूप्स बनाते हैं, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाती हैं। लेकिन अगर ये लैम्डा इनकमिंग आवाज़ की इनकमिंग लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव की वेवलेंथ इज लेस देन द डायमीटर ऑफ दिस, तो वो फिर से बाहर निकल जाती है। तो याद रखिए ओपन ऑर्गन पाइप से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।